नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहली बात करते हैं, सड़क सुरक्षा माह के तहत निकाली गई महिला कांस्टेबल की दोपहिया वाहन जागरूकता रैली की। लोहिया पार्क से सड़क सुरक्षा माह के तहत दोपहिया वाहन रैली महिला कांस्टेबल की निकाली गई। इस रैली ने लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने का काम किया। सबसे पहले हम आपको रैली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सिर्फ ट्रैफिक और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में महिला कांस्टेबल द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को निकाला जा रहा है। बता दें कि सड़क सुरक्षा माह के दौर में शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा के नियमों की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सहायक संभागीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के संयुक्त नेतृत्व में इस रैली का शुभारम्भ नगर के लोहिया पार्क से किया गया था। यहाँ से रैली की शुरुआत हुई। चूँकि यह रैली लोहिया पार्क से ईशन नदी पुल, क्रिश्चियन तिराहा से बड़ा चौराहा, करैल चौराहा से भाबा चौराहा, ईशन नदी पुल होती हुई वापस लोहिया पार्क पर आकर समाप्त हुई। रैली में सड़क सुरक्षा की जागरूकता फैलाने का काम किया गया था। दोपहिया वाहन चलाते समय किस तरीके से आपको वाहन चलाना है, हेलमेट को कैसे पहनना है, इन सब की जागरूकता रैली के माध्यम से फैलाई गई। वहीं रैली को लेकर क्षेत्राधिकारी यातायात संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। शासन की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा अभियान। उसके तहत आज महिलाओं की दोपहिया वाहन से रैली निकाली गई थी, जिससे जन जागरूकता फैले लोगों में, कैसे उनको सेफ्टी से आगे बढ़ना है, कैसे सड़क चलना है, हेलमेट लगाना है, गाड़ी कैसे चलाना है, इससे दुर्घटनाएं कम से कम हो और जन और धन की कम से कम हानि हो। कहाँ से शुरुआत हुई थी रैली, कहाँ से कहाँ समाप्त हुई? आज लगभग 12:15 बजे ये भरत पार्क से स्टार्ट हुई थी। यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थे सीधे भाई किराए बड़ा चौराहा, करहल चौराहा, रेलवे के चौकी होते हुए पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आ गई।